हाय दोस्तों, कूल टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि रिलायंस जियो का जो वाला जियो फोन है, इसमें आपको फेसबुक का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन रुको, जब आप इस फोन को पहली बार ओपन करोगे, जब आप इस फोन को पहली बार खोलोगे, तब आपको इसमें फेसबुक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तब आपको इसमें फेसबुक देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आप इस फोन में कैसे बहुत ही आसानी से फेसबुक को इंस्टॉल कर सकते हो और मजे ले सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्लीज यार आज का ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ यार, तुम आजकल लाइक वाइक नहीं कर रहे हो यार, वीडियोस को लाइक किया करो यार, मेरी मेहनत का फल बस तुम्हारे लाइक करने से ही मुझे मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपको अपने रिलायंस जियो के जियो फोन में फेसबुक को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको रिलायंस जियो के जियो फोन के मेन्यू में जाकर सेटिंग पे जाकर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे मोबाइल नेटवर्क्स पर टैप करना है। मोबाइल नेटवर्क्स पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको APN सेटिंग्स पर क्लिक करना है। APN सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको डाटा सेटिंग्स पर क्लिक करना है और ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफायर पर लिख देना है फेसबुक। तो मैं फटाफट से फेसबुक यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आइडेंटिफायर पर फेसबुक लिख दिया है। फेसबुक लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो वाईफाई है वो कनेक्ट है। आपको वाईफाई को कनेक्ट नहीं रखना है, आपको वाईफाई को ऑफ कर देना है। वाईफाई को ऑफ करने के बाद आपको अपना मोबाइल डाटा ऑन कर देना है। मोबाइल डाटा ऑन कर देने के बाद यहाँ पर आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद आपका जो गूगल है वो ओपन हो जाएगा। गूगल पर जाके आपको लिखना है यहाँ पर FB या फिर फेसबुक भी, आप कुछ भी लिख सकते हो। वो लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, सॉरी। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आपको facebook.com पर क्लिक कर देना है। m.facebook.com पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन अपना दूसरा अकाउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन टू अनदर अकाउंट क्लिक कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर आपको अपना वो डाल देना है, अपना ID और पासवर्ड डाल देना है फेसबुक का। वो डालने के बाद यहाँ पर आप फेसबुक बहुत ही आसानी से इस फोन में यूज कर पाओगे। तो दोस्तों, बस यही एक आसान तरीका है रिलायंस जियो के जियो फोन में फेसबुक को यूज करने का। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और यार, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और यार, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।